हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि मोबाइल ओएस होता क्या है। जो आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये काफ़ी सेम होता है जैसे कि आपके कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे आपका विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, बट जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल फोन में यूज होते हैं उनका जो साइज है वो स्मॉल होता है और ये छोटे हार्डवेयर के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, एंड जितने भी आपके स्मार्टफोन्स हैं और उनकी जो कंपनीज हैं वो अलग अलग तरह के अपने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ लिस्ट करे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक फर्स्ट वन इज माई एंड्रॉइड, देन इज iOS, विंडोज फोन, सिम्बियन OS, ब्लैकबेरी OS एंड बाटा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बहुत सारे मोबाइल OS आजकल मार्केट में अवेलेबल है और हर एक कंपनी का यूजली एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने डायग्राम की हेल्प से बताया कौन कौन से OS, आप लोगो देख के बता सकते हो कौन सा OS आपके फोन के अंदर है। लाइक दिस वन इज फॉर एंड्रॉइड, अगर आपको ये लोगो आपके फोन में दिखाई दे तो इसका मतलब आप एंड्रॉइड को यूज कर रहे हो, और अगर इस तरह का कोई सिंबल आपके पास है तो दैट इज विंडोज फोन, एंड दिस वन इज फॉर ब्लैकबेरी। iOS का लोगो कुछ ऐसा होता है, एंड सैमसंग के अंदर बाडा आता था पहले। ठीक है, अभी आजकल कुछ फोन्स के अंदर वो भी एंड्रॉइड ही यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं iOS ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो जो iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूज किया जाता है एप्पल कंपनी के मोबाइल फोन के अंदर। जो एप्पल कंपनी जो स्मार्टफोन बनाती है, ठीक है, जिसको हम iPhone ही बोलते हैं, उनके अंदर ये हमारा iOS ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यूज होता है। ठीक है, ओके। अब इसकी बहुत सारी एडवांटेज भी हैं जो आपका iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। फर्स्ट वन इज ईज ऑफ यूज, इसको यूज करना आसान है। क्वालिटी सपोर्ट, इसकी जो क्वालिटी है काम करने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है इन कंपैरिजन टू अदर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और इसकी जो सबसे खास बात है दैट इज रेगुलर अपडेट्स। इस फोन के हमारे पास रेगुलर अपडेट आते रहते हैं जिससे जो भी इसके अंदर कोई कमी होती है वो टाइम पे उसकी रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर सम एडवांटेज ऑफ माई iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज माई एंड्रॉइड। अब एंड्रॉइड जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला आज की डेट में ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड इसकी खास बात यह है कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब इसकी जो कोडिंग है उसको कोई भी चेंज कर सकता है और ये लिनक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बना है। ठीक है जी, यू कैन सी वन ऑफ द यंगेस्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, एंड डेवलप्ड बाय द ओपन हैंडसेट अलायंस विद द सपोर्ट ऑफ गूगल। गूगल ने भी इसको बहुत हेल्प करी है बनाने के अंदर। ठीक है, ये ओपन सोर्स है तो अलग अलग जो डेवलपर है, जो प्रोग्रामर है, उसको एंड्रॉयड के अपने हिसाब से चेंज कर पाते हैं जिससे इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इसके एडवांटेजेस बहुत है, लाइक फ्लेक्सिबल है, आप इसके सोर्स कोड में कभी भी चेंज कर सकते हो आसानी से, आप अपनी डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए उसको अडेप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज ओपन सोर्स है और आप कोई भी इसके अंदर जो चेंजेस कर सकता है। लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन इसके ऊपर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ए ह्यूज नंबर ऑफ स्मार्टफोन विद दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ज्यादा मोबाइल फोन आजकल इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, और उनके साथ वो आ रहा है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, लाइक मैनी करंट वर्जन फॉर मैनी डिवाइसेस। इसका मतलब ये है कि हर डिवाइस के लिए इसके अलग अलग वर्जन्स हमें यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास एक वर्जन था इसका डोनट, फिर आया एक्लेयर्स, ठीक है, फिर आया फ्रोयो, जेलीबीन्स भी आया, फिर नॉगेट आया। ठीक है, तो बहुत सारे मेरे पास इसके वर्जन्स हैं। क्लियर, तो ये हमें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। फाइन, ओके, यूजली इसकी सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ही यही है कि अलग अलग वर्जन्स को मेंटेन करने वाली। ठीक है, देन इज विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम यूजली बोलते हैं विंडो 10 मोबाइल OS। ठीक है जी, ये मोबाइल वर्जन है विंडो 10 का जो हम कंप्यूटर में भी यूज करते हैं। क्लियर, और ये जो आपका विंडोज मोबाइल OS है ये स्क्रीन साइज मैक्सिमम 8 इंच तक के लिए बनाया गया था शुरू में। ठीक है, एंड इसकी जो सबसे बात इसकी जो खास बात है वो ये है कि ये भी आपके पीसी से डायरेक्टली आप इसको कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो इसकी जो एडवांटेजेस है, ए टाइल्ड इंटरफेस दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन विदाउट ओपनिंग द
ऐप आपको टाइल्स की फॉर्म के ऊपर आपके जो आइकॉन्स बने होते हैं स्क्रीन के ऊपर ही आप डायरेक्ट वहां पे टच करो और आपको ये एप्लीकेशन खुल जाती है, आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ता। ठीक है जी। स्टेबिलिटी, ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है काफी स्टेबल है, आसानी से खराब नहीं होता। एंड नेक्स्ट एडवांटेज, स्मूथ ऑपरेशन, इसको यूज करना बड़ा ही आसान है और स्मूथली ये आपका ऑपरेट होता है। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फास्ट वन इज स्मॉल नंबर ऑफ एप्लीकेशन, इसके ऊपर एप्लीकेशन जो एप्स हैं बहुत कम है। शॉर्ट बैटरी लाइफ, बैटरी बड़ी जल्दी खत्म होती है इसके अंदर। लिमिटेड इंटरफेस कस्टमाइजेशन, आप इसकी स्क्रीन को अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। और थोड़ा सा इसको यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इनकन्वीनियंस ऑफ यूज। नेक्स्ट इज सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो सिम्बियन था ये नोकिया के द्वारा यूज किया गया था। नोकिया थोड़े टाइम पहले तक बहुत ही एक अच्छा ब्रांड था और सबसे ज्यादा मार्केट शेयर नोकिया का था, तो उनके अंदर आपका सिम्बियन जो है आता था। ठीक है। ओके। इसकी जो एडवांटेज है मेरे पास सिम्बियन ओएस की, दे आर लो मेमोरी एंड सीपीयू रिक्वायरमेंट। ये बहुत ही कम मेमोरी के अंदर काम कर पाता था और छोटे प्रोसेसर के साथ भी काम कर सकता है। नेक्स्ट इज अनयूज्ड मेमोरी रिलीज फंक्शन। अगर कोई मेमोरी मेरे पास अनयूज्ड पड़ी है, ठीक है, आप उसको बीसी बिल्कुल आसानी से फ्री कर सकते हो ताकि कोई और ऐप उसको यूज कर पाए। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी, बड़ा ही स्टेबल है, खराब नहीं होता आसानी से। ओके। स्मॉल नंबर ऑफ वायरसेस फॉर दिस प्लेटफॉर्म, वायरसेस बहुत कम है इसके ऊपर। एंड लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, काफी सारी एप्लीकेशन भी इसके लिए अवेलेबल है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। ठीक है जी। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपको पीसी से इसको कनेक्ट करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके लिए आपको एक एडिशनल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। ओके। अब इसके अंदर सेम वही प्रॉब्लम आती है आपकी एंड्रॉइड वाली, कि इंट कंपैटिबल अगर प्रोग्राम वर्जन है तो उनको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो नए प्रोग्राम है वो पुरानों से यहाँ कंपैटिबल नहीं है। ओके। द थर्ड डिसएडवांटेज इज नो लॉन्गर अवेलेबल अपडेट्स एंड स्मार्टफोन फॉर दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल इसके अपडेट आने बंद हो गए हैं और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑलमोस्ट अपने बंद हो चुका है। नेक्स्ट इज ब्लैकबेरी। अब जो ब्लैकबेरी जो ओएस है ये यूजली कॉरपोरेट हाउसेज द्वारा यूज किया गया था, बड़ी बड़ी कंपनीज द्वारा। ठीक है। और ये जो कंपनी थी, इट्स नेम इज रिसर्च इन मोशन, रिम इसको कंपनी को बोलते हैं जिसने ये बनाया था। ठीक है। इसके एडवांटेज हम देख लेते हैं। कन्वीनियंट ईमेल यूज, ईमेल को करना यूजिंग ब्लैकबेरी बहुत ही आसान था और बड़ा ही पॉपुलर भी था। ओके। इजी सिंक्रोनाइजेशन विद पीसी, पीसी आप इसे इजिली कनेक्ट कर सकते हो और अपने डाटा को सिंक्रोनाइज भी रख सकते हो। और इसकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज थी, वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटी सेटिंग। आपका जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा ही सिक्योर है, आप बहुत काम अपने सिक्योरिटी सिक्योरली कर पाते हो। ओके। नाउ विल डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट वन इज ऑप्टिमाइज्ड टू डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर आपको ग्राफिक्स अच्छे नहीं मिलते। ठीक है। और आपका ज्यादा जो काम है वो टेक्स्ट के ऊपर ही आपको काम करना पड़ता है। ओके। नॉट वेरी कन्वीनियंट ब्राउजर, जो आपका वेब ब्राउजर था जिसपे आप इंटरनेट को ब्राउज करते हैं, वो भी आपका ज्यादा कन्वीनियंट नहीं था। ओके। नाउ लास्ट इज मार्केट शेयर ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कौन सा जो मोबाइल ओएस है वो मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन सी कि सबसे ज्यादा 51% है, दैट इज योर एंड्रॉइड। देन 20% इज योर आईओएस, क्लियर। एंड देन 1% इज योर विंडोज। देन 11% इज ब्लैकबेरी। एंड 17% इज योर सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये अभी जैसे जैसे कि मार्केट ग्रो कर रही है, अलग अलग फोन आते रहेंगे तो ये मार्केट शेयर भी इनका चेंज होता हो जाता है। अभी जैसे कि आईफोन के मार्केट शेयर 20 से बढ़ के 26 हो चुका है ऑलरेडी। सो विद दिस थिंग्स, दिस वॉज ऑल अबाउट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। थैंक यू।